आजकल बहुत कुछ भूलने लगे हैं, जैसे कि मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? एक सर्जरी है। कहाँ? ठाकुर नर्सिंग होम। डॉक्टर अक्षय तो अभी तक आए नहीं है। बाहर से कोई और सर्जन आया? आज तो यहाँ कोई सर्जरी है ही नहीं। What? संभाल के। आपको लगी तो नहीं? आपके पाँव में क्या हो गया डॉक्टर नंदनी? पता नहीं, इतनी तेजी में कहाँ जा रही थी, पैर स्लिप कर गया। जब इंसान का पैर फिसलता है ना, तो ऐसे ही दर्द होता है। दवा भी लगाते हो और जख्म भी देते हो। जख्म तो भर जाते हैं नंदनी, लेकिन उनके निशान आसानी से नहीं मिटते। बहुत दर्द हुआ होगा ना तुम्हें। लेकिन दर्द से भी ज्यादा मुझे हड़बड़ाहट हुई अक्षय, कि विजया वहां थी। एक्चुअली मैं भी शॉक में था। मुझे नहीं पता अचानक विजया ने नर्सिंग होम नहीं आने का इरादा बदल क्यों दिया। अक्षय, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी और मैं उनके पीठ पीछे तुम्हारे साथ। मैं समझ सकता हूँ नंदनी, तुम अपना ख्याल रखो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुमसे अभी आकर मिलूं, तुम्हारी देखभाल करूं, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता क्योंकि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं डिनर पे, घर पे। अक्षय, आप चेंज कर रहे हैं क्या? मुझे भी तैयार होना है। हाँ, बस एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। मम्मी जी पापा जी आते ही होंगे ना? हाँ। अक्षय की जिंदगी कितनी कंप्लीट है, भरा पूरा घर है उसका। काश मैं भी ऐसी एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा होती, जिसमें मैं, अक्षय, इसके मम्मी डैडी अगर मैं अभी अक्षय को बिना बताए उसके घर जाऊं तो? ये वाला यहां? हाँ, अब ठीक है। नीति बेटा। दादी! कैसा मेरा बच्चा? ठीक हूँ। मम्मी, दादी, दादाजी आ गए। आइए। चलो चलो चलो। एक मिनट। ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए। केक। थैंक यू सो मच दादी। वेलकम बेटा। बैठो यहाँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। आज हमारी वजह से काम तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना? नहीं माँ, आज सर्जरी थी नहीं कोई। कैसा चल रहा है सब कुछ? फाइन। वाव, चॉकलेट केक, माय फेवरेट। मम्मी जी, पापा जी, आप अगर कुछ दिन और मुंबई में रुकते, हमारे साथ यहाँ आकर अगर रहते तो। अरे बस बस, जीते रहो। ठीक। ये वापस कब आए? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ।
नीति बेटा जाओ जाके नानी को बुला लो। नानी तो किचन में बिजी है। मैं कुछ मदद करूं आपकी? जी नहीं, आप तो मेहमान हैं हमारे, आपको तकलीफ कैसे दें? अब तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ, जैसी नजर आ रही हूं वैसी हूं। किसी काम में जरूरत हो तो बुला लीजिएगा मुझे। इतने सालों में तो कभी पूछा नहीं, अब अचानक आई हैं हमदर्दी जताने। बड़े मैम साहब, आज मैंने एक्स्ट्रा काम किया है तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना? तुझे दोबारा नौकरी पे रख लिया ना, ये हमारी मेहरबानी समझ। गुस्सा काहे को करती हो? मेहनत का पैसा मांगा, फुकट का नहीं। क्या बात है शबाना, कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक ही हुआ, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर भी किया। मतलब तुम्हें जॉब मिल गई? तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने मना कर दिया। क्या? वो सैलरी बहुत कम दे रहे थे ना, 60,000। और तुम्हें कितनी चाहिए? 70? 90। शबाना, ये तीसरा जॉब ऑफर है जो तुमने मना किया है। तुम ना काम को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही, तुम बस चाहती हो कि घर में पड़ी पड़ी आराम करूं। एक्चुअली भाई, मैं ना एक अमीर ज़ादे से शादी करना चाहती हूँ और बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। नॉट बैड। तो कोई मिला ऐसा अमीर ज़ादा? हाँ, वो भी एक नहीं दो मिले। क्या बात है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों अच्छे हैं और दोनों मुझे पसंद करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे सेलेक्ट करूं। छोड़ो, मैं जाती हूं। देखा, ये है मेरी बहन, ये मुझसे भी बड़ी पागल है। जैसी भी हो, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। काश ये बात तुम कभी मेरे लिए कहती। अच्छा, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो। मेरी भी तो है ये एक हैप्पी फैमिली। फिर वो कौन सी खुशी है, कौन सा अपनापन है जिसकी मेरे दिल को प्यास है? दादाजी आप यहाँ बैठिए, दादी आप यहाँ बैठिए। बैठिए बैठिए। ओके। तुम भी बैठो बेटा। बेटा तुम्हारी माँ? लाडो, मम्मा को बोलो डिनर के लिए आ जाए। बड़ी मेम सब अपने कमरे में है, बोली बाद में खाएगी। कोई बात नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ उन्हें। तब तक आप लोग शुरू कीजिए खाना। मानसी जी, आपने डिनर शुरू नहीं किया?
आप मेरे साथ 2 मिनट बैठेंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफ कोर्स, आइए बैठिए। कहिए। मानसी जी, मैं मानती हूं इतने सालों में हमारे रिश्ते में बहुत सी दरारें आ गई हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब ये दरारें भरने का वक्त आ गया है? मैं और अक्षय के पिताजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका साथ मिल जाता तो। नीलिमा जी, आपने और अक्षय के पिताजी ने जो बुरा सलूक किया है मेरी बेटी और अक्षय के साथ इतने सालों तक, उसे भुला देना इतना आसान नहीं है। मैं मानती हूं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर कोशिश करें तो। मानसी जी, इतने सालों तक आप सबसे दूर रहकर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ बाप तो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत वक्त लगा दिया अपने बेटे और बहू को माफ करने में, या यूं कहें कि माफी मांगने में। उनके कसूर में छिपी अच्छाई हमें देर से समझ में आई। जो कुछ भी हुआ है उन सबके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। मानसी जी, आप देंगी ना मेरा साथ? जी हाँ, जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच मानसी जी। लाडो जी, इसमें सब्जी और ले आओ। जी मैम। वेरी टेस्ट है ना दादाजी? खाना टेस्टी कैसे नहीं होगा, मम्मी ने और नानी ने जो मिलकर बनाया है। अरे वाह, हम लोग तो रोज इतना टेस्टी खाना खाते हैं। विजय बेटा, सचमुच खाना बहुत ही बढ़िया बना है। And this chicken pulao तो बहुत ही amazing है। Thank you पापा जी। Really, इतना लजीज पुलाव मैंने पहले कभी नहीं खाया। बेटा काम करना, इसकी रेसिपी हमें भी लिख कर देना, हम लोग भी ट्राई करेंगे। नहीं पापा जी, रेसिपी तो नहीं बताऊंगी, ताकि आपका जब भी खाने का मन करे आप यहाँ मेरे पास आ जाएं। Correct। ठीक है, फिर तो हम बार बार आते रहेंगे, सोच लो। सोच लिया। विजय बेटा। जी पापा जी, रायता दूं? नहीं नहीं, काफी है। मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों का नर्सिंग होम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पापा, आपकी फ्लाइट कल शाम की है ना? हाँ। आप लोग खुद ही आकर देख लीजिए ना, मेरी 11 बजे एक सर्जरी शेड्यूल्ड है, उसके बाद आई एम फ्री, आइए ना। मैं भी चलूंगी नर्सिंग होम। ये मम्मी जी कहाँ रह गए, मैं देखती हूँ। अम्मा जी आप कहाँ थी, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मैं एक्चुअली वो बेटे बेटा मानसी जी नीति का कमरा दिखा रही थी मुझे, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा। यस। आप बैठिए ना, शुरू करते हैं खाना।
कितना अच्छा लग रहा है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। सास ससुर का आशीर्वाद सच में मैजिकल होता है। तू मुंगड़ा मैं गुड़ की डली, टिंग 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 मंगता है तो, अरे मंगता है तो आजा। क्या मांगते हैं साहब? अक्षय आप किचन में, कुछ चाहिए आपको? हाँ वो पापा को खाने के बाद सौंफ खाने की आदत है, मैं सौंफ ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। अरे सौंफ चाहिए आपको तो मेरे को बोला होता ना, मेरे को सब पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, मैं इन सबको नहीं मालूम। ये लो सौंफ। मुझे नहीं चाहिए, बाहर पापा को चाहिए, उनको जाके दे दीजिए। और साथ में ये पता कीजिए कि नीति को कुछ और तो नहीं चाहिए। जाइए विजय, तुमने इसे वापस काम पे क्यों रखा है? अक्षय वो बेचारे, क्या तुम्हें सब बेचारे ही लगते हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है लाडो से? लाडो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे कौन रखता अपना नाम लाडो? अब उससे कुछ काम बोलना हो तो लाडो अखबार ले आओ, लाडो चाय ले आओ, लाडो ये लाडो वो। तुम हंस क्यों रही हो? उसमें हंसने क्या बात है? देखो तुम्हें इसे वापस काम पे रखना है, रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका नाम चेंज करो प्लीज। अक्षय आप इतने अच्छे क्यों हैं? उसका सिर्फ नाम लाडो है, बार बार लाडो लाडो बोलने से ये मतलब नहीं हो जाता कि आप किसी पराई औरत से प्यार करने लगे हैं। पता अक्षय मुझे तो ये सोच के भी हंसी आती है कि क्यों लाडो, कुछ और चाहिए बाहर? नहीं वो बोले तुम दोनों को बाहर भेजो। ठीक है चलिए। हाँ चलिए। चक्कर, बस एक काम करिएगा, आप पेशेंट्स को डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है पापा, मुझे पता है। हेलो स्वीटहार्ट। हाय मिस जेनिफर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जेनिफर। जेनिफर सर्जरी की तैयारी हो गई? हो चुकी है सर। गुड, एक काम करिए आप पेशेंट को ओटी में ट्रांसफर करा दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। या आई सी यू गाइस लेटर। ऑल द बेस्ट। चलो नीति मेरे कैबिन में चलते हैं। नहीं पहले कैफे में चलिए, मुझे अभया मासी से मिलना है। चलो। मम्मी वैसे कैफे में क्या क्या होगा खाने के लिए? क्यों मुझे तो लगा आप अपने अभया मासी से मिलने जाना चाहती हैं। अरे अभया मासी से मिलने भी और खाने भी। चलो भाई साहब ये लीजिए आपका पिज्जा और पिज्जा का बैग। पैसे दे रहा हूँ। हाँ इम्पोर्टेंट होते हैं भाई साहब। छुट्टे हैं? छुट्टे नहीं है ना, बाद में ले लीजिए। जाइए जाइए। अरे भाई साहब छुट्टे तो लेके जाइए। चले गए। ओहो विजया दीदी, नीति बेटा वेलकम वेलकम। चल आप बताओ क्या खाएंगे, चिकन बर्गर सैंडविच या चिकन रोल? नहीं कुछ नहीं, अभिया कहाँ है? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? ये कैफे का काम जो बढ़ गया है तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया उसको। हाँ विजया दीदी मुझे मालूम है, आपने यहाँ आने से मुझे मना किया, और एक दिन ये कैफे बंद रहा तो जो कुछ नुकसान होगा तो वो तो हम सह लेंगे है? लेकिन क्या है नर्सिंग होम के लोगों को दिक्कत हो जाएगी, वो बेचारे नाश्ता करने कहाँ जाएंगे, खाना खाने कहाँ जाएंगे, ये सोचकर मैं यहाँ चला। बताओ नीति बेटा क्या खाओगी आप, सैंडविच? नहीं कुछ नहीं, हम ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। बिल्कुल जी। चलो नीति मंगवा लीजिए।
वैसे बर्गर बहुत फ्रेश है, ऑर्डर कर दीजिएगा। हेलो दीदी, अभ्या कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अभ्या तुम रो रही हो? दीदी आज सुबह रतन ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे मुझे बेडरूम में धकेल कर कमरे में बंद करके चला गया। क्या